हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो जल्दी से देख लेते हैं उनके क्विक मैसेजेस आपके लिए। जस्ट बी माइंडफुल कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो पिक व्हाटएवर रेजोनेट्स और लीव द रेस्ट। पर्सनलाइज रीडिंग अगर चाहो तो बुक कर सकते हो। सो पहला मैसेज आ चुका है, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। आपके पर्सन पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या आप ही उनको उतना मिस करते हो जितना वो आपको करते हैं या नहीं। लेट्स सी मोर मैसेजेस, और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे करंटली। व्हाट इज इट, आई वांट टू मैरी यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए, और क्या है उनके दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके दरमियान में दूरियां हो राइट नाउ, जिसकी वजह से वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स हो सकते हैं, या फिर दिस इज विद द इंटेंट। आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बदल सकती हैं। लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज, आई डोंट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ आपके बगैर इमेजिन नहीं कर पाते हैं। लेट्स सी मोर मैसेजेस, और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, क्या है उनके दिल में जो रिवील करना चाहते हैं अपने मैसेजेस के साथ। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम बैक टू यू। अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनको थोड़ा और टाइम चाहिए, फिर वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। आई एम ट्राइंग टू थिंक व्हाट आई वांट टू से टू यू। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि किस एंगल से, किस तरह से, किस पर्सपेक्टिव के साथ वो या यू नो आपकी तरफ एक्शन लें। वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्ट वे में कहें। तो कुछ ना कुछ वो प्लान कर रहे हैं, अपने माइंड में सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ऐसे तरीके से वो आपको अप्रोच करें, इस ऐसे तरीके से आपकी तरफ एक्शन लें जहाँ पर आप भी खुश रहो और वो जो चाह रहे हैं उनको वो भी मिल सके। सो ये थे मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करो। चलिए, नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।